छात्रों, आप पिछले क्लास में तमिलनाडु लेसन के बारे में जान चुके हैं, तो बच्चों आज के क्लास में उसके एक्सरसाइज के बारे में जान लेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तमिल भाषियों का प्रदेश कौन सा है? तमिल भाषियों का प्रदेश तमिलनाडु है। इसे किनका घर माना जाता है? तमिलनाडु को प्राकृतिक संसाधनों का घर माना जाता है। तमिलनाडु किस लिए प्रसिद्ध है? तमिलनाडु शास्त्रीय संगीत और प्राचीन साहित्य से प्रसिद्ध है। तमिलनाडु के प्रमुख शहरों के नाम लिखिए। चेन्नई, कोयम्बतूर, त्रिची, कांचीपुरम और कन्याकुमारी। सही उत्तर पर सही का निशान लिखाइए। तमिलनाडु भारत के बड़े राज्यों में कौन सा स्थान रखता है? 13, पहला, 11th नंबर। तमिलनाडु में किसे बहुत महत्व दिया जाता है? नृत्य और संगीत को, कसरत और व्यायाम को, पूजा पाठ को? नृत्य और संगीत को। कांचीपुरम किस लिए प्रसिद्ध है? रेशम साड़ियों के लिए, मिठाइयों के लिए, गर्म कपड़ों के लिए? रेशम साड़ी, कांचीपुरम साड़ी अंतर अला मकर। नेक्स्ट जोड़े मिलाइए, मैच द फॉलोइंग। चेन्नई का समुद्र तट प्रसिद्ध है। तमिलनाडु की भाषा तमिल है। यहाँ के मंदिर अपनी कला के अद्भुत प्रदर्शित प्रस्तुत करते हैं। यहाँ का शास्त्रीय संगीत बहुत प्रसिद्ध है। देखिए भाषा ज्ञान वाक्य बनाइए। भारत सब देशों में न्यारा है। चेन्नई तमिलनाडु का एक बड़ा शहर है। शहर में बहुत भीड़ रहती है। पर्वत, हिमालय पर्वत भारत का मुकुट है। नेक्स्ट देखिए सर्वनाम। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण, मैं, तुम, वह, हम, आप आदि। देखिए नाम के बदले में जो शब्द यूज किया जाता है ना, उसे सर्वनाम बोलते हैं। ऊपर दिए गए सर्वनाम शब्द भरकर रिक्त स्थान भरिए। मैं घर जाता हूँ, आप कहाँ जा रहे हो? वहाँ रमा के घर आया। हम स्कूल जाते हैं, डैश खाना खाएंगे। इधर आप, ये लास्ट वन है, आपको ही करना पड़ेगा। आप ही एक बताओ बच्चों, हम खाना खाएंगे, आता है ना? हाँ, हम स्कूल जाते हैं, वो भी आता है। आप खाना खाएंगे, वो भी आता है। तुम खाना खाएंगे, वो भी आता है। ये अप्रोप्रिएट कौन सा आता है वो लिखिए और इसे क्लास वर्क में नीट से लिखिए। बच्चों ये फोटो कॉपी भेजूँगी, आपको क्लास वर्क में लिखना होगा। ओके।